आगे बच्चों हमारे पास शेख सादिक की मशक है। सबसे पहले सवाल है, सवाल के मुख्तसर जवाब है। तो इन सवालात के जवाब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपने इन्हें कॉपी पे खुद हाथ लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास सवाल दर्ज है मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़ह करना। तो ये सवाल जुमले हैं, ठीक है, ये मुरक्कबात है, पहले इनका मफ़हूम वाज़ह करेंगे, यानी इनके मायने लिखेंगे और उसके बाद इसके जुमले बनाएंगे। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों दर्ज अल्फाज के मायने लिखे, अल्फाज मायने भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखे, अल्फाज मुतज़ाद भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और उसके अलावा आगे हमारे पास है कुछ जवाब की इंशाल्लाह टिक से करें। तो यहाँ पे सबसे पहले अलिफ है हमारे पास, बुरी सोबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है नंबर टू, सोच। आगे हम जो दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ताकतवर, दोस्त या शेर। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर थ्री होगा, दुरुस्त ऑप्शन शेर। कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है। यहाँ पे हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन होगा नंबर फोर, कुत्ता। दाल है हमारे पास, किसके लिए बदुआ करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है नंबर वन, हासिल। है लोगों को सताने वाला क्या है, बदनसीब। शेख सादिक कहाँ पैदा हुए, यहाँ पे हमारे पास नंबर फोर, शिराज में। बच्चों हमारे पास अगला एक और सवाल है, दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये जुमले आप लोगों ने ख़ुद से बनाने हैं, ठीक है बच्चों। ये जुमले आपने ख़ुद कॉपी पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे है हमारे पास सवाल नंबर आठ, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। अलिफ है हमारे पास, ज़िंदगी का माल देश के आराम और सुकून के लिए है। तो ज़िंदगी का माल किसके आराम और सुकून के लिए है, सॉरी, दुनिया का माल किसके आराम और सुकून के लिए है, ज़िंदगी के, ठीक है। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है। हम आगे है बे अमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में ढेर। यहाँ पे क्या आएगा, मशल। जीम है, देश बात करके अपनी कदर ना घटा, बेफायदा। दाल है, दो कुत्ते एक देश को मिलकर नहीं खा सकते। यहाँ पे क्या है, मुर्दार। अगर तू तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर देश कर एहसान। बच्चों ये खाली जगह आपने बुक पे करनी है। आगे हमारे पास है मुतलाजिम जागरूक अल्फाज के बारे में आप पहले सीख चुके हैं, दर्ज अल्फाज के मुतलाजिम अल्फाज लिखे, ठीक है बच्चों। मुतलाजिम यानी जो लफ्ज़ आप ज़ुबान पर लाएँ तो उससे रिलेटेड, उससे मुतलका बहुत से और अल्फाज आपके जहन में आ जाएँ, उनको मुतलाजिम अल्फाज कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास बादल, तो उसके मुतलाजिम या गोल अल्फाज क्या है, बारिश, पानी। आगे हमारे पास है बाजार, दुकान, फल, सब्ज़ी वगैरह। जंग, फौज, बंदूक, खून, जख्मी। पहाड़, ऊंचाई, पत्थर, बर्फ़ वगैरह कुछ भी। शादी, दूल्हा, दुल्हन, बाराती, खाना वगैरह, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास मुतलाजिम अल्फाज है, तो ये आपने अच्छी तरह से बुक पे लिखने हैं और सारा याद भी करना है। इसके अलावा नोट्स में बच्चों हमारे पास कहानी और ख़त है, वो भी आपने अपनी कॉपी पे खुश खात लिखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।